बंगले की राजनीति शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव से पहले सभी नेता ये तय कर रहे हैं कि कौन से नेता किस बंगले में बैठकर राजनीति करेंगे और वहां से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो पाएंगी। लेकिन कौन से नेता किस बंगले में बैठेंगे इस बात को लेकर अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इस वक्त आलोक। बड़ी खबर निकल के आ रही है पटना हाईकोर्ट से। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ में ये कहा गया है, ये फैसला सुनाया गया है कि जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बंगला आवंटित किया गया था, अब उस बंगले को खाली कराया जाएगा। एपी शाही ने साफ साफ ये कहा है अपनी खंडपीठ में कि यह असंवैधानिक है और पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जब हमने खास बातचीत की है जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से, तो सुनिएगा उन्होंने क्या कुछ कहा है, साथ साथ तंज भी कसा है लालू फैमिली के ऊपर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका लाइव सीरीज में। नमस्कार। जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला निकल के आया है पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब उनका बंगला छोड़ना पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस संबंध में जब तक के न्यायिक फैसले का अवलोकन नहीं करेंगे तब तक इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी दिया जाना महत्वपूर्ण नहीं है जी। लेकिन जो मैंने सुना है जी, जो मुझे जानकारी मिली है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि असंवैधानिक है जी, तो संविधान के प्रावधान के तहत विधायिका अथवा मंत्री परिषद को सक्षम अधिकार प्राप्त है जी। अब दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो लोक धन है जी, उसके बारे में उन्होंने मंतव्य दिया है जी। तो पूरे न्यायिक फैसले के अवलोकन के बाद, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह भी है जी कि भाई एक विरोधाभास जरूर है कि लोक सेवक डिफाइन है जी, कि भाई जो भी एमपी है एमएलए है लोग पब्लिक सर्वेंट है जी। लेकिन एक विरोधाभास यह है कि जो लोग आम तौर पर जो सरकारी सेवक है वह भी लोक सेवक माने जाते हैं जी। लेकिन एक ऐसे राजनीति में लोक सेवक है लालू प्रसाद जी जो होटवार जेल में सजा याफ्ता है जी। तो सरकारी सेवक की संपत्ति जब्त हो जाएगी जी। लेकिन जो राजनीतिक लोक सेवक कहने का दावा जिनका रहेगा, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, बंगला भी चाहिए जी। ये तो लोक लाज का विषय भी है जी। बंगले को लेकर बहुत सारे विवाद निकलते आए हैं, पहले भी 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला विवादित था। बंगले को लेकर कहीं ना कहीं लालू फैमिली घिरती हुई नजर आती है हमेशा। अरे तो घेरने का आदते है नहीं, लोगों को संपत्ति का आदते है लगा हुआ है जी। मुफ्त का माल मिले तब ये अच्छा है जी। तो इस पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से बंगले वाला विवाद निकल के आया है, इस पर क्या तेजस्वी यादव कुछ कहेंगे? हम इसको भी कहेंगे कि सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता की लड़ाई है, हम क्या कहेंगे बेचारे जी, यही कहेंगे जी। तो क्या लगता है बंगलों को आप सबको छोड़ देना, जितना मांझी भी है इन सभी नेताओं से, क्या अब तो उन पर निर्भर करता है? पूर्व तो है, हम तो वर्तमान में है जी। पूर्व वाले पर हम किसे मंतव्य देंगे? लेकिन तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए जी कि एक सरकारी कर्मचारी अगर सजा याफ्ता हो जाता है उसका पेंशन से लेकर के सारी सुविधा जब्त हो जाती है जी। तो तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी संविधान में लोक सेवक है जी, तो क्या 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 उनका भी पेंशन जब्त होना चाहिए? क्या उनको सरकारी बंगले की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको सिक्योरिटी नहीं मिलना चाहिए? इस सवाल पर अपना नजरिया जरूर जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना बयानों के माध्यम से नीरज कुमार ने यह कहा है कि लालू परिवार को थोड़ा शर्म आना चाहिए, तेजस्वी यादव को थोड़ा शर्म आना चाहिए कि यदि कोई अफसर कोई गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में यदि उन्हें सजा होती है तो वह पेंशन भी छोड़ देते हैं, साथ साथ बंगला भी हाथ से जाता है। लेकिन ये कैसे परिवार है कि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, सजा याफ्ता है, फिर भी इन्हें पेंशन भी चाहिए, साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिका टिप्पणी नहीं की है जदयू के एमएलसी ने, लेकिन अब देखने वाली बात यह हुई कि अब जब बंगला खाली कराया जाएगा तो कौन से नेता क्या बयान देंगे। 10 सर्कुलर रोड आपको पता होगा, वहां से राजनीति की शुरुआत किस तरीके से होती थी बिहार की राजनीति की जब हम बात करेंगे तो, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आवास हो, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा हो, इन सभी की तरफ से क्या वक्तव्य निकल के आएगा, उन सभी बातों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें सबसे पहले। धन्यवाद।